लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बदन पर खाकी, कंधों पर कानून और व्यवस्था का बोझ, ललाट पर मुस्कान और मन में कुछ कर गुजर जाने का हौसला, यह पहचान है उस आईपीएस ऑफिसर की जो लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। उसकी वर्दी लोगों को डराती नहीं बल्कि पास बुलाती है और उनमें प्रेरणा का बीज बो देती है। वह बेसहारों का सहारा, जरूरतमंदों की जरूरत और दृष्टिहीन लोगों की आंखों की रोशनी है। वास्तव में वे आंखों में रोशनी भरने का काम करता है। भारतीय पुलिस सेवा का वह जांबाज एक पूरे के पूरे गांव के लिए पालनहार की भूमिका में है। उसने एक गांव गोद ले रखा है। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रविवार कृष्ण आंध्र प्रदेश के रायलसीमा मंडल में आने वाले कुरनूल जिले में तैनात है। रविवार कृष्ण पुलिस सेवा के अलावा खुद की चलाई जा रही एक मुहिम में व्यस्त है। वह लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें नेत्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। पिछले वर्ष रविवार कृष्ण ने खुद नेत्रदान करने की शपथ ली, तब से वे लोगों के बीच जाकर उन्हें नेत्रदान की अहमियत बताते हैं। रविवार कृष्ण की मुहिम के चलते अब तक करीब 1.5 लाख लोग नेत्रदान कर चुके हैं। रविवार कृष्ण पुलिस अधिकारी बनने से पहले केनरा बैंक में डेटा कंपनी ऑपरेटर का काम करते थे। उन्होंने एक ऐसे गाँव को गोद लिया जो अपनी अपराध गाथाओं के लिए जाना जाता था। कपाठराला गांव में दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो जाना आम बात थी। इस गांव के 21 लोग अभी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन रविवार कृष्ण ने जरायम की धरती को स्वर्ग बनाने की ठानी है और वे काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। रविवार कृष्ण लोगों को आगे बढ़कर नेत्रदान करने के लिए अपने लिखे और गाए गानों से भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने कलनु दानम चेई नीचुपनु दानम चेई गाना लिखा और गाया। इसका मतलब होता आंखें दान करें, रोशनी दान करें। कुरनूल के ब्लाइंड स्कूलों में नियमित आने जाने के कारण रविवार कृष्ण को यह गाना लिखने की प्रेरणा मिली। रवि कृष्ण जिस काम में लगे हैं, उससे उन्हें लोकप्रियता तो मिल ही रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उनके प्रयासों से एक बड़े इलाके की किस्मत बदल रही है, जो शायद पीएम मोदी की न्यू इंडिया मुहिम में जान भरेगी। वास्तव में रविवार कृष्ण जैसे पुलिस ऑफिसर ही लोगों के सच्चे ऑफिसर कहलाते हैं।